बंगाल में विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़, मुस्लिम युवक बना फरिश्ता। विजयदशमी के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिले में माल नदी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक बाढ़ आने से अब तक 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम राहत कार्य में लगी है। लापता लोगों में कई बच्चे और बड़े शामिल है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। घटना को लेकर पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई है। इधर लगातार बारिश के कारण राहत कार्य में बाधा पड़ रही है। इस बीच खबर आ रही है कि स्थानीय मुस्लिम युवकों ने जान जोखिम में डालकर करीब 10 लोगों की जान बचाई जो लगभग डूबने की कगार पर थे। मुस्लिम युवकों में मोहम्मद मानिक इस घटना में घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए मोहम्मद मानिक की सराहना की जा रही है। रेडियो मिर्ची की आरजे साइमा लिखती है, हमें आप पर गर्व है मोहम्मद मानिक। पत्रकार मीर फैसल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया, दशमी के दिन बंगाल में माल नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हरपा बांध आपदा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। डांडिया में शामिल होने के लिए मुसलमानों को पीटा जा रहा है। वहीं कल मोहम्मद मानिक ने माल बाजार में हरपा नदी में 10 लोगों को डूबने से बचाया और शरीफुल से 6 लोगों को डूबने से बचाया। पानी में तैर रहे लोगों को बचाने के दौरान मोहम्मद मानिक भी घायल हो गए। उन्हें रात में माल बाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बचाव कार्य करने का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। वही राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगी हुई है। अभी भी राहत कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश में विसर्जन के दौरान अचानक हुई इस घटना को आप कैसे देखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक पहुंचती रहे।